नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग बनकेवरा भाग्य के अंतर्गत नागपुरी कविता बाथा को पढ़ेंगे। बनकेवरा भाग्य बाथा के लेख हैं शकुंतला मिश्र। यह दोस्तों यह कविता शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस कविता को सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ को बताऊंगा, फिर उसका भावार्थ को हम लोग एकदम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस कविता से संबंधित आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहेगा। और दोस्तों जब ये इसका भावार्थ भी मैं बता दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पाठ से किस तरह से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। यह दोस्तों जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं उसको भी हम लोग अंत में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हूं, देख लीजिए, और जिसके पास किताब है तो किताब खोल लीजिए, अगर किताब नहीं है तो फिर यहाँ देखिए। मैं सबसे पहले एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, फिर उसका शब्दार्थ देखेंगे, फिर भावार्थ। हरियर वन माझे, ठीक है, हरियर वन कर माझे उदास खड़ा ठुठंगू गज, उकर उपरे बरखा कर बरसत पानी, उकर उपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सुखल छाती में जैसे ढरके लालोर, जब झरे ला मांग से सिंदूर आंख से झरे लालोर, जब सुन होवेला कोरा माय कर इतना बाथा काले, का अपन मेटत अस्तित्व ले, का याद हो थे आपन बीतल दिन, जब भौरा फूल रस चिभत रहे आदमी सुस्तात रहे उकर घन छाइहर में, देखत रहे उपरे लदरल रहे उकर सुंदर के का से दुख सालत है, सायत नहीं सायत नहीं ये दुख नहीं है, का याद होवत है उ दिन उकर नावा नहुरल पतई में, जब ओस कर बूंद गिरत रहे चमकत रहे जैसे चमकेला मोती, जब मगाय उठत रहे बन झूमत रहे गज, का से दुख सालत है सायत नहीं, का से दुख सालत है जे उदास खड़ा है इठुठंगू गज वन में, बथा तो उठत है उकर छाती में, सुन के एगो बात ठेकेदार लेलक ठीका बनकर, गोठियात रहे एहे गछतार, सुन के बथत है उकर छाती, सुन के बथत है उकर छाती, घुमरत रहे मन में एगो सवाल, का हरियर वन में एगो गज ठुठंगू बाची, साइत नहीं साइत नहीं एहे सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गज से सलसलाल हवा बहत है, कल हिया कूलर हवा दे, प्रकृति का ठाम विज्ञान ले, गज का ठाम महल खड़ा होई, इस सोच से बथा थे उकर छाती, तभे दूर आकाश में उड़त एगो चरई, एगो छोट चरई कही गेलक अले से गच कान में, अले से मतलब धीरे से, देख हमर नन्हा पांव और कमजोर पाइख के, हिया पराग है बिहन है साल महुआ और पाकेर है, कहो नी कहो ई मंजी जन्मी, मंजी मतलब बीज, एक से एक सोई तोर नहीं तो किकरो मंजी तो जेल धरी, सृजन ना रोई खे ना रुकी, ई सुन के और गुन के अब तैन जाए रहे, हरियर बन कर माझे खड़ा एगो ठुठंगू गज। तो दोस्तों ये था नागपुरी कविता बाथा। इसका अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आप लोगों को कहां दिक्कत हो सकता है, वहां पर मैं इसका शब्दार्थ बता देता हूं। वन मतलब जंगल, माझे माझे मतलब कि बीच में, लिख लीजिएगा दोस्तों, सभी को लिखाना संभव नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। वन जंगल, माझे बीच में, उदास तो उदासी है, ठुठंगू मतलब, ठुठंगू कहने का मतलब कि जिसका डाली उली भी नहीं बचा है, केवल मेन तना केवल बचा है, ठुठंगू गज। गच मतलब पेड़, बरखा बरसात, ढरकत मतलब गिरना ढरक रहा है, सूखल सूखा हुआ, फिर देखिए कोरा
माई मतलब कोरा माई कर मतलब माँ का गोदी, बथा दर्द इतना इतना, काले क्यों, मिटत मिटना, सुस्ता मतलब कि आराम करे आराम करना, छाइहर छा। फिर देखिए शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, याद याद, नवा नया, नवा नहुरल पते मतलब कि नया नया पत्ता, गिरत गिरना, चमकत चमकना, झूमत झूमना, शायद नहीं, शायद नहीं। फिर देखिए गोठियात, गोठियात मतलब कि बात करना, ठीक है बात करना, बथत दर्द, दर्द बथत देखो सुन के बथत होकर छाती मतलब सुन के दर्द हो रहा है, बथत मतलब कि दर्द, हरियर हरा, घुमरत मतलब कि घूमना, घुमरत घुमरत है मन में एगो सवाल, घूम रहा है मन में एक सवाल। फिर देखिए सलसलात, सलसलात मतलब कि सुंदर लगातार हवा बहना, ठीक है सलसलात हवा बहा थे, सुंदर स्वच्छ हवा जंगल में बह रहा है। हिया मतलब यहां, काई कल, दे मतलब कि देना, प्रकृति का ठाव, ठाव मतलब कि स्थान, ले मतलब कि लेना। फिर गच पेड़, होई होना, होई मतलब कि होना, उकर उसका, उसके स्थान पर, तभे दूर आकाश में उड़त, उड़त में उड़ना, एगो एक एक, छोट छोटा, चरई चरई में चिड़िया, अले से मतलब कि धीरे से, गच्छक पेड़। फिर देखिए कमजोर कमजोर से पाइक पंख, हिया यहां, पराग है बिहेन है, पराग बिहेन मतलब कि ये बीज को ही बोले जाते हैं, बहुत सारा बीज को ही बिहेन कहा जाता है। साल साल सखुआ, महुआ महुआ का पेड़ आप लोग जानते हैं, और पाकर पाकर पकड़ी का एक पेड़ होता है। मंजी मंजी में बीज, जन्मी जन्म, एक से इक्कीस मतलब कि बहुत सारे, एक से इक्कीस बहुत सारे। तोर तोर मतलब कि तुम्हारा, नई नहीं, नहीं मतलब कि यह नया नहीं होगा, नहीं होगा, तोर नहीं, तोर नहीं तो केकरो, मंजी तो जरूर जेल धरी मन, तोर नहीं तो केकरो मतलब किसी का बीज जरूर जड़ पकड़ेगा, जेल मतलब कि जड़, धरी मतलब कि पकड़ना धरना। सृजन आप लोग जानते होंगे, रुक मतलब रुकना, गुण के सुन के मतलब सुनना, और गुण के मतलब कि जान लेना समझना, तैन जाना मतलब सीधा होना, तन जाना, ठीक है। हरियर बनकर माझे, बीच में खड़ा एक गज, एक और ठुटंगू गज, तो ठीक है इसका ये शब्दार्थ हो गया। अब हम लोग इसका भावार्थ को देखते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ फिर भावार्थ को बताता हूँ, ठीक है। हरियर बन कर माझे उदास खड़ा ठुठंगू गज, हरा जंगल के बीच में उदास खड़ा ठुठंगू गज, उदास खड़ा है ठुठंगू गज, ठीक है। उकर उपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सूखल छाती में, उसका ऊपर में वर्षा का पानी गिर रहा है और ढरक रहा है उसका छाती में, जैसे ढरके लालो जिस तरह से बहता है लोर, जब झरेला मांग से सिंदूर, जब मांग से सिंदूर झरता है उस समय लोर ढरकता है उसी तरह से ढरक रहा, ढरकना में बहना गिरना, ठीक है। आंख से झरेला लोर, आंख से झरेला लोर, जब सुन होवेला माय कर कोरा, आंख से लोर गिरता है जब माँ का कोरा सुना हो जाता है, माँ का गोती सुना हो जाता है उस समय माँ का आंख से लोर गिरता है, ठीक उसी तरह से क्या हो रहा है, लोर गिर रहा है किसका, ठुठंगू पेड़ का। इतना बाथा काले,
इतना दर्द क्यों, इतना उदास खड़ा क्यों है, किस कारण से उदास खड़ा है, इतना दर्द क्यों, कापन मेटत अस्तित्व ले, का ये सोच रहा है कि उसका अस्तित्व मिट जा रहा है इसके लिए, कायद होवत है अपन बीतल दिन, जब भौरा फूल रस चिभत रहे, आदमी सुस्तात रहे उनकर घन छाइहर में, का अपना बीता हुआ समय को याद करके, जब भौरा उसका रस चिपते थे, मतलब कि एक समय ऐसा था कि उहारा भरा था, अभी ना सूख गया है, ठुटंगू हो गया है, हरा भरा था उस समय, भौरा उसका फूल का रस चिपते थे और लोग वहां पर आके सुस्ताते थे, सुस्ताना मतलब कि आराम करना, आराम करते थे उसके पेड़ के नीचे, उसका घनघोर छांव में, क्या ये सोचकर वह दुखी है कि आज उसका अस्तित्व मिट रहा है, ये कहा जा रहा है, देखत रहे ऊपरे, जब वहां पर लोग आराम करते थे और ऊपर देखते थे तो लदरल फर के झबरल डायर के सरहात रहे उकर सुंदरे के, का से दुख साला थे शायद नहीं, जब लोग वहां पर आराम करते थे ऊपर देखते थे तो बहुत सारा फलों से लदा हुआ रहता था सभी डाली में, और उसका सुंदरता का, उसका इतना सुंदरता था कि लोग वहां पर तारीफ करते नहीं थकते थे, तारीफ करते थे, ये सब को सोच के वो दुखी है, क्या और कोई दूसरा बात है, शायद नहीं, देखिए यहां कहा जा रहा है कि शायद नहीं, आगे देखिए, का याद होवत है उस दिन, का याद होवत है उस दिन, उकर नवा नहुरल पतई में, जब ओस कर बूंद गिरत रहे, उकर नया नया नहुरल पतई, मतलब नया नया निकला हुआ पतई, मतलब पत्ता में ओस का बूंद गिरता था, चमकत रहे जैसे चमकेला मोती, जब ओस का बूंद गिरता था तब कैसे चमकता था, मोती की जैसे चमकता था, जगमगाए उठत रहे बन झूमत रहे गच, का से दुख सालत थे शायद नहीं, जगमगाए उठत रहे बन झूमत रहे गच, पूरा पेड़ झूमते थे, का से दुख सालत थे, क्या दुख हुआ जो आज उदास खड़ा है, ठुठंगू गच क्या सोच रहा है, शायद नहीं, शायद ये बात नहीं है, ये और कुछ दूसरा बात होगा, ये कह रहे हैं कवि महोदय कि शायद कोई और दूसरा बात है, देखिए बाथा तो उठत है उकर छाती में, सुन के एगो बात ठेकेदार ले लग ठीका बनकर, बाथा दर्द तो हो रहा है उसका छाती में, केकर छाती में, ठुठंगू गच का छाती में, ठुठंगू गच मतलब कि ठुठंगू पेड़ का छाती में, सुन के एगो बात, वो सुन लिया एक बात, ठेकेदार लेलक ठीका बनकर, ठेकेदार ले लिया है जंगल का ठीका, इसको वह सुन चुका था, गोठियात रहे यह गच तरे, बात हो रहा था यही पेड़ के नीचे, सुन के बथत है उकर छाती, घूमरत है मन में एगो सवाल, का ई हरियर बन में एगो ठुठंगू गच बाची शायद नहीं, देखिए सुन के एगो बात ठेकेदार ले लग ठीका बन कर, ठीक सुन लिए ये बात कि ठेकेदार ठीका ले लिए हैं बन का, और बात हो रहा था यही पेड़ के नीचे, यही ठुठमू पेड़ के नीचे, तो वो सुन लिया और सुन के उसका छाती दर्द हो रहा है, घूमरत है मन में सवाल, घूम रहा है मन में एगो सवाल, का इस जंगल में ये एक ठुठमू गच, ये हरा जंगल में ये ठुठमू गच बचेगा क्या, ये सुन के उसके छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन शायद नहीं, ये भी बात नहीं है और कोई दूसरा बात होगा, देखिए यह सोच से बथा थे उकर छाती, आज ये बनक गज से सलसलात हवा बहत है, यही सोच के उसका छाती में दर्द हो रहा है, आज इस जंगल में सलसलात सुंदर स्वच्छ प्रकृति का हवा बह रहा है, कल यहाँ कूलर हवा देवी प्रकृति का ठाव विज्ञान ले, कल यहाँ पर कूलर हवा देगा, आज प्रकृति का हवा बह रहा है सुंदर स्वच्छ हवा पेड़ पौधे का, लेकिन कल यहाँ पर
कूलर हवा देगा, प्रकृति के स्थान पर विज्ञान अपना स्थान ले लेगा। इस सोच से बथत है उसका छाती। देखिए यही सोच के उसका छाती दर्द कर रहा है। क्या सोच के कि आज इतना सुंदर स्वच्छ हवा प्रकृति का बह रहा है ये हरा जंगल में, लेकिन कल यहाँ पर कूलर हवा देगा, प्रकृति के स्थान पर विज्ञान स्थान ले लेगा। यही सोच के ठुटमू गज का छाती दर्द कर रहा है। तभी दूर आकाश में उड़त एगो छोट चरई, तभी दूर वही समय आकाश में उड़ते हुए एक छोटा सा चिड़िया कह गेले अले से कान में, कह गए अले से मतलब धीरे से कान में, देख हमर नन्हा पांव और कमजोर पाँख के, देख हमर नन्हा पांव और कमजोर पाँख के, देखो मेरा नन्हा पांव और कमजोर पंख को, यहाँ पराग है बिहन है साल महुआ और पाकर है, यहाँ पराग है बिहन है मतलब कि तरह तरह के बीज हैं, साल महुआ और पाकर कर, साल महुआ और पाकर कर, कहो नी कहो ये मंजी जन्मी, कहीं ना कहीं ये मंजी ये बीज जन्म लेगा ही। एक से इक्कीस हुई, एक से इक्कीस मतलब कि बहुत सारे हो जाएंगे। तोर नहीं तो केकरो मंजी तो जरूर जड़ धरी, सृजन ना रुखे ना रुकी, तोर मतलब कि तेरा नहीं तो किसी और का ये बीज जरूर सृजन लेगा, जरूर जन्म लेगा, सृजन ना रुका है ना रुकेगा। तोर नहीं तो मतलब तेरा नहीं तो किसी का बीज जरूर जड़ पकड़ेगा, सृजन रुका है ना रुकेगा। सुन के और गुन के अब टाइम जाहे, इस बात के सुन के वो ठुटगुगज इस सब बात के सुन के और जैन के अब तैन जाहे, अब चिंता नहीं करत है, अब नहीं सोच रहा है। ठीक है, हरियर बन माझे खड़ा एगो ठुटगु गज, हरियर बन माझे थाल एगो ठुटगु गज का चिंता कर कारण पता चल जाए उकर दर्द का है कि आज यहाँ प्रकृति कर हवा बहुत है लेकिन काई कर दिने कूलर हवा देवी, प्रकृति कर स्थान में विज्ञान अपना स्थान लेवी, प्रकृति कर जगह में विज्ञान अपन स्थान ले ले। इस सोच के उकर छाती में दर्द उठे। ये था बाथा कविता, बहुत ही सुंदर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों चलिए पाठ से जुड़ी थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुटगु गज, हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुटगु गज, ठुटगु गज। देखिए ई पंक्ति कौन कविता कविता से लेवल लेवल है। देखिए परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि हरियर बनकर माझे खड़ा उदास ठुटगु गज ई पंक्ति कौन कविता से लेवल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बाथा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। फिर आगे देखते हैं,
लदरल फर के झबरल डायर डायर के सराहत रहें रहें उकर सुंदरई की उकर सुंदरई के साइत नहीं साइत नहीं प्रस्तुत प्रस्तुत पंती कर कवि कवि कवित्री के कहें। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। लदरल फर के झबरल डायर के सरहात रहे उकर सुंदरी के साइत नहीं प्रस्तुत पंक्ति कर कवि कवित्री कह कहें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है शकुंतला मिश्र शकुंतला मिश्र। ठीक इसी तरह से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। फिर आगे देखिए ठुठंगु गच गच के का दुख दुख सालत रहे। देखिए ठुठंगु गच के का दुख सालत रहे किस दुख से वह दुखी था। प्रकृति के स्थान पर विज्ञान आने की डर से। ठीक है ठुटंगु गच के का दुख सालत रहे ठुटंगु गच ठुटंगु पेड़ को ये दुख सता रहा था कि प्रकृति का सुंदर हवा बह रहा है वहां पर विज्ञान अपना स्थान लेगा और कूलर का हवा बहने लगेगा ये सोच के ठुटंगु गच रो रहा था। क्वेश्चन नंबर चार ठुटंगु गच कर कान में अले से केहर कहेला कहेला कि सृजन ना सृजन नहीं रुकी ना रुक है। ठीक है ठुटंगु गच कर कान में अले से के कहेला कि सृजन ना रुक है ना रुकी तो छोट चरई चरई। दोस्तों इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। ठीक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िए ठीक है मन लगा के पढ़िए। कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उस समय भले ही समय ज्यादा लग रहा है लेकिन उसको एक बार में समझने का कोशिश करिए समय दीजिए। ये नहीं कि आप लोग में से बहुत होंगे कि स्किप करके देखने स्किप मत करिए उसको समझिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है समय देना पड़ेगा। ठीक अभी समय नहीं दीजिएगा तो कब समय दीजिएगा। ठीक है समय वक्त आपका है। ठीक है वक्त आपका है उसे सोना बना दो या फिर सोने में बिता दो। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद जोहार।